हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, पिछला ब्लॉग बनाया था कि आपको एक वेबसाइट के बारे में बताया था जहाँ से आप अच्छे से जेन्युइन रेट में अपने बाइक के जो बजाज या फिट कंपनी की है उसके जो टूल्स है, जो उसके पार्ट है, उनको अच्छे से खरीद सकते हैं गाइस। तो गाइस, आज मेरी बाइक में कुछ दिक्कत आई थी, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ मैं एजेंसी वाले भाई लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वो इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो ऐसा किसी के साथ ना करें गाइस। गाइस, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मैंने अपनी बाइक बनने के लिए दी थी गैलेक्सी शोरूम में, तो मेरी बाइक बन के भी आ गई अच्छे से। काफी अच्छा उन्होंने काम किया, नो डाउट, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के भाई लोग, उन्होंने अच्छे से काम किया। लेकिन कुछ कमियां, कुछ गलतियां रह गई थी, उन गलतियों को मैंने खुद ठीक किया। गाइस, ये टैंक था, इसमें जो आपका ये फ्रंट है, यहाँ से आवाज आ रही थी। मैं दिखाने वाला हूँ आपको गाइस, अभी तक मैं दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, जो ये टैंक है ना, यहाँ से तो यहाँ से आवाज आ रही थी खड़ 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 करके। तो इस टैंक में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा था कि यार ये नई बाइक है अभी तो, और बन के भी आ गई है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है। तो मैंने क्या किया, इस टैंक को खोला, और टैंक खोलने के बाद अच्छे से इसको मैंने देखा। तो इसमें गाइस क्या बोलते, दो तीन तो बोल्ट कम हो रखे थे, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मेरे को मतलब इतनी अच्छा, मतलब मैं समझ रहा था इन भाई लोगों को, मतलब इन्होंने मेरी बाइक में एक दो बोल्ट ही गायब कर दिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती नहीं होती, गलती सबसे होती है, देखो मेरे से भी गलती होती है तो आपसे भी गलती होगी, लेकिन भाई लोगों ऐसा मत करो किसी के बाइक के साथ यार। अब मैंने क्या किया, मैंने कल रात को इस बाइक को प्रॉपर खोला, ये जो है इसका टैंक पूरा खोला। गाइस, दो बोल्ट इसमें कम निकले। मैंने इसको खोलने के बाद दो बोल्ट फिट किए अच्छे से, फिर इसको फिट किया। बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगा मेरा इसको फिट करने को। पहली बार मैंने इसको खोला था तो मैं डर भी रहा था कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन मैंने खोल के अच्छे से फिटिंग करी इसकी और ठीक कर दिया मैंने। अब इसमें कोई भी आवाज नहीं आती है, चाहे आपको कितने भी तेजी से चलो, यहाँ पे घर घर की आवाज नहीं आती है, और काफी अच्छी मतलब टैंक फिटिंग हो गई है। तो गाइस, इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने टैंक खोला वो किस तरह से खोला। हालांकि मैं इस वीडियो को पूरा प्रॉपर वैसे नहीं दिखाऊंगा कि मैंने खोल के दिखाऊंगा आपको, लेकिन बताने वाला हूँ किस तरह से खोलना है आपको। तो क्या करना है गाइस, देख सकते हैं, सबसे पहले तो इस सीट को निकालना है आपने। इसके बाद इस सीट में यहाँ पर दो बोल्ट लगे, उन बोल्टों को खोलना है। बोल्ट खोलने के बाद ये सीट आपकी निकल जाएगी बाहर। यहाँ पर दो बोल्ट लगे, किस तरफ लगा किस तरफ लगा, उस बोल्ट को भी आराम से खोल लेना है। इसके बाद ये बोल्ट खोलना है, एक ये बोल्ट खोलना है फ्रंट में, इसी तरह इस तरफ भी एक इधर बोल्ट लगा हुआ है और एक इस तरफ बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट को भी खोलना है। बोल्ट खोलने के बाद जो ये बोल्ट है इनको खोलना है, ऐसे ही इस तरफ भी लगा है, उसको भी सेम प्रेस करना है, और टैंक को आराम से बड़े प्यार के साथ यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से इसको खींचना है। और गाइस, ध्यान देना कि ये वाला बोल्ट जो होता है, ये वाला बोल्ट, इसको भी खोल ले तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं खोले तभी कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, अच्छे से हो जाएगा। और मैं आपको वीडियो में कुछ बता दूंगा किस तरह से इसको खोलते हैं। तो गाइस, इसको आप खोल के जब इसको पुश करके खींचेंगे तो ये टैंक आपका ऊपर उठ जाएगा, इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है टैंक में, कई बोल्ट होते हैं नहीं कसे होते, उन बोल्टों को कस सकते हैं और अच्छे से वहां फिट कर सकते हैं। और जिस तरह से आप निकालेंगे, साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं एक वायर है, ये वायर आपके टैंक में जो डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले होती है जिसमें आपका रीडिंग वगैरह दिखाती है और किलोमीटर वगैरह दिखाते हैं, तो ये ऑडियो डिस्प्ले में यहाँ से कनेक्ट होती है। अगर इसको पुश करेंगे निकल जाएगा, बस अगर आपको टैंक नॉर्मल पास में रखना है तो इसको ज्यादा वो करने दिक्कत नहीं है, आराम से खोलो और पास में रख दो और आराम से उसमें काम करके इसके बाद फिर फिट कर दो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं वाला, आराम से बहुत सिंपल काम है, कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये प्लास्टिक का है, जो ज्यादा अपनी ताकत और बाहुबली दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आराम से काम करना है सॉलिड के साथ। तो गाइस, मैंने कल रात को अच्छे से इसको खोला, फिट किया, दो बोल्ट इसमें कम निकले। तो एजेंसी वालों से गुजारिश करना चाहूंगा, भैया ऐसा मत करो किसी के साथ। इससे जो वीडियो की इससे मतलब वजह से मेरे को अब डाउट हो रहा है कि मैं अपनी बाइक की जो सर्विस है वो एजेंसी में कराऊं, घर कराऊं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है गाइस। तो गाइस, आप लोगों ने अगर जो डोमिनार 400 के ऑनर्स है वो कृपया बताएं कि एजेंसी वाले कि आप लोगों के साथ भी ऐसा करते हैं, अगर करते हैं तो भाई गलत बात है। एक बंदा लाखों रुपए खर्च के बाइक लेता है और फिर वो एजेंसी पे सर्विस कराने का उसका एक भरोसा होता है कि वो एजेंसी पे जाएगा, वहां पर उसके अपने जन लोग मिलेंगे और वो उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे और सोल्यूशन देंगे, तो वो बंदा जाता है वहां पर। तो गाइस, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपके एजेंसी वाले भी ऐसा करते हो कृपया कमेंट जरूर करना, मेरे एजेंसी वालों ने ऐसा किया था। और हालांकि मैंने ये जो बाइक थी वो देहरादून के शोरूम से ली थी, लेकिन मैंने
जो एक्सीडेंट हो गया तो मैंने कहा अपने सिलो के ऊपर शोरूम से करवा लेता हूँ, सब कुछ ठीक है, उन्होंने नो डाउट सब अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां रह जाती ना, गलतियां बहुत अखड़ती है, क्योंकि मैं जब बाइक चला रहा था तो मेरे को घर घर की आवाज आ रही थी। मैं कह रहा यार क्या हो रहा है मेरी बाइक पे, अभी तो नई नई बाइक ली है मैंने, फिर भी दिक्कत हो रही है। तो मैंने कल जब इसको खोला तब देखा दो गुट से काम रखकर, देखा मैं आपको फोटो लगा दूंगा, मैंने फोटो प्रॉपर खींच रखी, हालांकि वीडियो तो नहीं बनेगा, मैं अकेला था, इसे वीडियो बनाने में काफी दिक्कत होती, इसे वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो मैंने आराम से इसको खोला, रिपेयर किया और दोबारा दिक्कत देख सकते एकदम मस्त फिट हो चुका है। मेरे को इस पर पीपीएफ की कोडिंग करानी है, क्योंकि पीपीएफ की कोडिंग कराना बहुत जरूरी है, ताकि टैंक ये सेफ रहेगा और फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी गाय। तो गाइस जो लोग देहरादून से हैं या देहरादून से जो मेरे को देख रहे हैं, तो कृपया मेरे को यह बताइए कि डोमिनार 400 में पीपीएफ की कोटिंग कहाँ पर अच्छी होगी और सही रेट में होगी। तो मेरे को इस गाड़ी में अपना कोटिंग करानी है पीपीएफ की, क्योंकि यहाँ पे पॉली की कोटिंग हो रही है लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं है, ऊपर से महंगे दामों में कर रहे हैं तो मेरे को वो पसंद नहीं है गाइस। तो गाइस मैंने कल स्टैक को अच्छे से फिट किया और आप देख सकते हैं मैंने गाड़ी में काफी काम अलग से कराया, जैसे आपका ये हो गया और क्या बोलते हैं केस कार्ड लगाया मैंने, ऊपर से ये लगाया है मोबाइल होल्डर, ये लगाया है जीपीएस होल्डर और काफी चीजें लगाई हुई। दो चार चीजें और मैं मंगाने वाला हूँ उसी वेबसाइट से, जिस वेबसाइट को मैंने आपको बताया है वहां से मंगाऊंगा और इस गाड़ी में फिट करने वाला, इसको मैं एकदम मस्त बेहतरीन गाड़ी बनाने वाला हूँ गाइस। तो गाइस आपको भी हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके दौरान, जो मेरी ड्रीमर है इसके दौरान, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ जरूर साझा करता हूँ, क्योंकि जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हालांकि मैं बहुत बड़ा राइडर नहीं हूं, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि मेरे को ये बातें, जैसे मेरे को दिक्कत हुई, मैं भी यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा सर्च किया तो मेरे को वो चीजें नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई लोगों को या अपने व्यूअर्स को सब्सक्राइबर्स को बताऊं, या मैं यूट्यूब पे सबके साथ साझा करूं वो बात कि मैंने दोस्तों ये बात यहां से देखी है, सीखी है और इसके जरिए आप वो बात सीखकर अपनी बाइक में अच्छे से काम कर सकते हैं और अपनी ड्राइव को, अपनी राइड को कंटिन्यू कर सकते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं ये रही मेरी ड्रीमर, एकदम बेहतरीन लुक में है, मैं अच्छे से काम कर रखा है और सारे काम मैं खुद ही कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं एजेंसी वगैरह में काम नहीं कराता हूँ, थोड़ा भरोसा उठ जाता है ना एक बार तो दोस्तों थोड़ा फिर मुश्किल होता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का जो सपना होता है बाइक लेना, तो एक तो बड़ा मुश्किल में पूरा होता है, जैसे जैसे करके पूरा कर पाता है बंदा, और पूरा करने के बाद अगर वो एजेंसी में जा रहा है, कहीं और जा रहा है अपनी बाइक को लेके सर्विस कराने के लिए या किसी और काम के लिए, और वहां पर उसका दिल दुखता है, तो गाइस सच में बहुत हर्ट होता है। अगर आपके पैसों की खरीदी हुई बाइक और उसमें थोड़ा सा भी स्क्रैच भी आ जाए ना, मेरे को मेरी बाइक में हल्का सा स्क्रैच भी आ जाए, गाइस बहुत दर्द होता है। जो बाइक लवर्स हैं, जिनको अपनी बाइक से बहुत सारा मोहब्बत प्यार है, वो सच में इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि अपनी बाइक में हल्की सी भी कोई दिक्कत, मतलब खट भी हो जाए या कोई मतलब हल्का सा स्केच ले जाए, तो कितना दिल पे बुरा बीतता है गाइस। जब मेरा क्रैश हुआ था तो गाइस मेरा दिल का दुखा था, मैं मतलब अपने लिए परेशान नहीं था कि मेरी चोट लगी हुई है, लेकिन बाइक के लिए मैं बहुत परेशान था कि मेरी बाइक, मेरी ड्रीमर किस तरह से टूट गई है, क्योंकि गाइस एक एक रुपये बचा बचा के मैंने अपनी बाइक को खरीदा। गाइस हर मिडिल क्लास फैमिली इसे रेंट कर पाएगा कि वो किस तरह से मेहनत करके अपने लिए एक ड्रीम बाइक, अपने सपनों को साकार करने के लिए खरीदती है गाइस। तो गाइस मेरा यही वीडियो था, एजेंसी वाले भाई लोगों से कहूंगा ऐसा कभी ना करें, जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो आप पर बहुत भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और हालांकि हमारे जहाँ से मेरी बाइक दोबारा ठीक होकर आई सब लोग ठीक थे, लेकिन थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है। तो आपसे अनुरोध है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई किसी के साथ नहीं करेंगे, आपसे गुजारिश है, आपसे अनुरोध है, और अच्छी वीडियो लगे तो शेयर करना, लाइक कमेंट करना, और इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरा ब्लॉग चैनल है तो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी डालता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जो चीजें मैं सीख रहा हूँ वो चीजें मैं आपको बताऊँ, आपको भी उभारूँ और आप भी उन चीजों से आगे बढ़ सके, क्योंकि आपकी राय भी अच्छी हो सकती है। मैं लद्दाख ट्रिप तो कर चुका है और मेरी बाइक भी 10-10 किलोमीटर समथिंग चल चुकी है, तो इतना अनुभव मेरे पास आ गया है कि मैं अपनी बाइक में छोटे मोटे काम घर ही पे कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मैं अपनी बाइक करने वाला हूँ सर्विस जब करूंगा तो वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा घर पे अपनी बाइक की सर्विस आराम से कैसे कर सकते हैं और कौन सा ऑयल डाल सकते हैं, कौन सा फिल्टर, क्या सारा कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड सेफ राइड, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।